नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। इसके लिए हम करेला लिए हैं 250 ग्राम और 100 ग्राम चना का दाल लिए हैं। हम आधे घंटे पहले चने के दाल को फुला दिए थे और करेले को हम पतले पतले पीसों में काट लिए हैं। देखिए, अच्छी तरह से ऊपर का छिलका हम निकाल दिए हैं और एक चम्मच नमक में हम आधे घंटे पहले इसको भिगो के रख दिए थे। अब इसको हम दो पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखिए, हम चने की दाल को दो पानी से अच्छी तरह धो लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। इसमें हम 2 कप लिए हैं पानी। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी और इसको हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। 2 सीटी आ जाने देंगे। ये देखिए, 2-3 पानी से हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमारी कढ़ाई गरम हो रही है और इसमें हम डाल देंगे तेल। हम इसमें डाल दिए थोड़ा सा तेल, इसको गरम हो जाने देंगे। और कढ़ाई हमारी गरम हो रही है। ये देखिए, हमारी कढ़ाई गरम हो रही है और इसमें हम डाल दिए हैं थोड़ा सा तेल, इसको गरम हो जाने दें। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब हम डाल देंगे करेला। और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा सुनहला हो चुका है। इसको और थोड़ा सा हम भून लेंगे और इसमें आप अपने हिसाब से तेल डालिए और इसको ब्राउन भूनना है। थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, इसको हम और थोड़ा सा भून लेंगे। और करेला पक ही गया है, बस इसको थोड़ा सा ब्राउन भून लेंगे। ये देखिए, हमारा करेला भून चुका है और इसको देखिए कितनी अच्छी तरह से भून चुका है, सुनहला है। अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको हम गल जाने देंगे। जब हमारा टमाटर गल जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मसाले। ये देखिए, हमारा टमाटर गल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच मिर्च। एक चम्मच डाल देंगे हम हल्दी। थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला।
इसको हम थोड़ा सा भूंज लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल, ये जो हम पका के रखे हैं, दो सीटी आने दिए थे और अच्छी तरह से देखिए गल चुका है। ये देखिए अब इसको हम डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा चला लें, मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी और इसको उबाल आने तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रख देंगे, उबाल आ जाने दें। ये देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है। अब हम डाल देंगे करेला और इसको हम सूखने तक पकाएंगे। ये पूरा पानी हम सुखा लेंगे। ये देखिए हमारा पानी सूख रहा है और थोड़ा बचा है और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच शक्कर। और इसका हम पूरा पानी सुखा लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा करेला अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा वीडियो बन चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।